मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली को फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो अभी तक तुम लोगों ने ट्रिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन और जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है उसको पढ़ रखा होगा। तो देखो, ये चीजें तुम्हें लिखी हुई हैं, इसको खुद से एक बार अटेम्प्ट करते जैसे, और लेक्चर में देखो तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा इसको खुद से बनाते हुए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जैसे रिएक्शन विद हाइड्रोजन देखें, तो नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी मेंबर है H2 के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा, EH3 टाइप का। तुम्हारा NH3, PH3, ASH3, SBH3, BIH3, ये हाइड्राइड्स बनेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन बताओ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। तो मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ EH3, और स्टेबिलिटी ऑफ EH3 किस पे डिपेंड करेगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ EH3। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोगों ने कंपेयर करना सीखा था। अगर मान लो तुम्हारे एलिमेंट्स डिफरेंट पीरियड के हैं, तो डिफरेंट पीरियड के हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SBH3 और फिर BIH3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो तुम्हारा डेट ऑफ रिएक्शन का भी ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। और देखो हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? SP3, ठीक है। आया समझ में? NH3 का हाइब्रिडाइजेशन SP3 आएगा। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज ये कौन से रूल फॉलो करते हैं? ड्रैगोस रूल। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। बॉन्ड एंगल, सबसे पहले हमने जो पैरामीटर्स लिए थे बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर सेम, फिर हाइब्रिडाइजेशन सेम, फिर किस पे देखते थे? नंबर ऑफ लोन पेयर्स सेम, ठीक है। सबका देखो हाइब्रिडाइजेशन, वैसे तो कंपेयर करने के लिए हम लोग यहां SP3 लेंगे, लोन पेयर्स एक एक आएगा। क्लियर है? फिर क्या देखते थे? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी, उतना बॉन्ड एंगल भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोग पहले कंपेयर कर चुके हैं, ठीक है। यही बार बार यूटिलाइज होंगी, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी हम लोगों ने किया NPASSB, बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब एलिमेंट्स इन कंपैरिजन, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ बिलोंग टू डिफरेंट पीरियड्स, और डिफरेंट पीरियड्स के हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा? ठीक है, आया समझ में? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा होता था। आया समझ में? बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ती थी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? ये सारे पैरामीटर जाके एक बार ध्यान देना, ठीक है। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BIH3। हम लोग क्या देखते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें कौन सा है? एच बॉन्ड। इन सब में कौन से हैं? वांडरवॉल फोर्सेस। क्लियर है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? NH3 का। आया समझ में? एच बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब इन सब में वांडरवॉल फोर्सेस है, तो वांडरवॉल फोर्सेस होने की वजह से वांडरवॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? साइज पे। तो इसके बाद किसका आ जाएगा? BIH3, फिर SBH3, फिर ASH3, और सबसे कम किसका आएगा? PH3 का। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट सेम वे में कंपेयर करते थे, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन इस केस में ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में एक एक्सेप्शन लिखवाया था, क्या? कि BIH3 और SBH3 के वांडरवॉल फोर्सेस NH3 पे क्या कर जाते हैं? डोमिनेट कर जाते हैं। तो ऑर्डर क्या आता है? ये ठीक है, बॉन्डिंग में एक बार करा रखा है। इसमें क्या बोला था? इन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ध्यान दो, तुम्हें यह भी बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड फेज देन कंपेयर टू लिक्विड फेज। तो जब मेल्टिंग पॉइंट की बात की गई, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन। तो जब NH3 सॉलिड में था तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा आया। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है लिक्विड से सॉलिड, सॉरी लिक्विड से गैस।
तो NH3 की लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इस केस में BiH3 और SbH3 के वंडरवॉल फोर्सेस पे क्या कर गए, डोमिनेट कर गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये ऑर्डर हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, ठीक है? एक बार फिर से देखो, स्टेबिलिटी बताओ भाई, स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी? एक तो ये तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ से चेक कर लिया, एक बार ध्यान दो। अब हाइड्राइड्स में देखो, खुद हाइड्राइड्स में तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, -3, ठीक है? -3 आ रही है। तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करने के दो रीजन बताए, तो या तो जेड इफेक्टिव या फिर तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। जेड इफेक्टिव की वजह से नीचे जाने पे स्टेबिलिटी घटेगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब ये -3 में आ रहा है, -3 में कौन सा तुम्हारा फैक्टर लगता था, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव लगता है तो नीचे जाने पे स्टेबिलिटी घटेगी, मतलब तुम्हारा ऑर्डर क्या आएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर देखो, ये अपनी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इनकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। खुद क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, फर्दर रिड्यूस तो हो नहीं सकते, मतलब दे कैन ओनली बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट्स। दे कैन ओनली बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव नहीं कर सकते, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने के लिए इनको रिड्यूस होना पड़ेगा, और रिड्यूस होने के लिए ये रिड्यूस नहीं हो सकते बिकॉज दे आर इन देयर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, अगर तुमसे बोला जाए NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जितना ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड, उतना वो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज होना पसंद नहीं करेगा, और जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतनी ज्यादा दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल था, हेंस इट इज अ लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे कम इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, NH3, और सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, BiH3, बिकॉज NH3 इज मोस्ट स्टेबल इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ज्यादा स्टेबल है मतलब उसी में रहना पसंद करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होना पसंद नहीं करेगा। ये सबसे कम स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल है तो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तुरंत ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या करेगा, ठीक है? तुरंत ऑक्सीडाइज हुआ तो इट इज द मोस्ट इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो देखो, NPASSBBI, देखो ऑक्सीजन के साथ तुम्हारे दो टाइप के ऑक्साइड्स प्रीडोमिनेंट बनाते हैं, एक तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में E2O3, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में E2O5। इनके अलावा भी बनते हैं, जैसे N2+O2 तुम्हारा NO भी बनाता है, ठीक है? N2+O2 तुम्हारा N2O4 भी बनाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम ऑक्साइड्स बनते हैं तुम्हारे प्रीडोमिनेंट ऑक्साइड्स हैं दैट आर इन +3 एंड +5, ठीक है? तो इनकी रिएक्शन बाद में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट ऑक्साइड्स है +3 और +5, जैसे E2O3 में तुम्हारे कौन कौन सा है, N2O3, P4O6, AS4O6, SB4O6, Bi2O3। ये तीनों डाइमर के फॉर्म में, ये सॉरी, दो E2O3 यूनिट आपस में क्या कर जाती हैं, कंबाइन कर जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो दो E2O3 यूनिट अगर कंबाइन कर गई तो ये E4O6 में आ गया। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सब में +3 है, इसमें भी +3, कैलकुलेट करके देखना, +3 सब में +3 है। तो ये तीनों दो E2O3 यूनिट कंबाइन करके रहते हैं, ये दोनों E2O3 के टाइम्स। क्लियर है? E2O5 +5 N2O5, फिर से P4O10, AS4O10 और SB4O10 कंबाइन करके क्या, दो E2O5 यूनिट्स कंबाइन कर जाएंगे, क्या बना देंगे, E4O10। एक चीज और ध्यान रखो, बिस्मत का हम लोगों ने पढ़ा है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं रहती है, +5 इज नॉट स्टेबल। क्यों नहीं स्टेबल है, एक बार खुद से बताओ भाई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? आया समझ में? इसकी कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है, Bi+3, ठीक है? तो एक चीज ध्यान रखो, बिस्मत +5 में
फॉर्म्स ओनली वन कंपाउंड BiF5। ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ अपना फ्लोराइड बनाएगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा कंपाउंड, क्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, कुछ भी फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए तुम्हारा बिस्मत का +5 में ऑक्साइड पॉसिबल नहीं है। उनसे पूछा जाए क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज Bi+5 इज नॉट स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब स्टेबिलिटी देखो भाई, देखते जाओ खुद से करो। एंड E2O3 टाइप देखे तो E2O3 में +3 और E2O5 में +5। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी किस फैक्टर से गवर्न होती है, जेड इफेक्टिव या इनर्ट पेयर इफेक्ट, बताओ भाई। तो लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, किससे गवर्न होगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट से। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या होती थी, इंक्रीज होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? E2O5 की स्टेबिलिटी किससे गवर्न होगी, जेड इफेक्टिव से। और जेड इफेक्टिव से गवर्न होगी तो नीचे जाने पे तुम्हारी इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चीजें क्लियर होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एसिडिक नेचर E2O3 और E2O5 में अगर तुमसे बोला जाए, तो हम लोगों ने पढ़ा था एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्शन वो फास्फोरस के, ध्यान रखना। बाकी एसिडिक नेचर जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसमें इंक्रीज करता जाता है, तो तुम्हारा E2O3 जनरली क्या होगा, लेस एसिडिक होगा एज कंपेयर टू E2O5। क्लियर है, आया समझ में? पहली चीज तो ये, आप देखो N2O3 P4O6 AS4O6, डाउन द ग्रुप देखें तो तुम्हें बताया था अगर ऑक्साइड्स, हाइड्रोऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स हैं तो तुम्हारा एसिडिक नेचर, यहां मैं नीचे लिख देता हूं, फॉर पढ़ भी रखा है, ऑक्साइड्स हाइड्रोऑक्साइड्स ऑक्सी एसिड्स, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ठीक है, और फॉर हाइड्राइड्स एसिडिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो भाई, इसमें हम लोग, ये पॉइंट तुम्हें डायरेक्टली याद होने चाहिए, ऑक्साइड्स, हाइड्रोऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स के लिए एसिडिक नेचर तुम्हारा नीचे जाने पे घटेगा, और एसिडिक नेचर अगर घट रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, और हाइड्राइड्स के लिए एसिडिक नेचर नीचे जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और एसिडिक नेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक नेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो देखो भाई, ये ऑक्साइड्स है मतलब फर्स्ट में आ गए, और फर्स्ट में आ गए तो नीचे जाने पे एसिडिक नेचर क्या करेगा, डिक्रीज, तो ऑर्डर क्या आएगा। क्लियर है? सिमिलरली ये भी ऑक्साइड्स है, नीचे जाने पे एसिडिक नेचर क्या किया, डिक्रीज, तो ऑर्डर क्या आएगा। ये एक बार वापस हाइड्राइड्स में आ जाओ, ठीक है, हाइड्राइड्स में एक और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है, जो NH3, ये NH3 PH3 वाला लिखाया था, इसमें एक और पॉइंट अगर मैं बोलूं बेसिक नेचर, इनका मुझे बेसिक नेचर कंपेयर करना है, NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, तो ये हाइड्राइड्स है, सेकेंड वाले में आ गए, सेकेंड वाले में आ गए, और इनका एसिडिक नेचर नीचे जाने पे बढ़ेगा, तो एसिडिक नेचर अगर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये तो पॉइंट्स तुम ध्यान रखो। अगर मान लो ऑक्साइड्स, हाइड्रोऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स है तो इनका एसिडिक नेचर नीचे जाने पे डिक्रीज करेगा, और एसिडिक नेचर अगर डिक्रीज कर रहा है तो बेसिक नेचर क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। हाइड्राइड्स के लिए एसिडिक नेचर नीचे जाने पर इंक्रीज करेगा, और एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक नेचर क्या कर रहा होगा, क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए E2O5 की बात की, तो E2O5 में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, हाईएस्ट, हाईएस्ट है मतलब ये और ज्यादा ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकते हैं, और ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते तो सिर्फ रिड्यूस होंगे, तो दे कैन ओनली बिहेव एज, E2O5 टफ ऑक्साइड्स कैन ओनली बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और E2O3 वाले में इंटरमीडिएट है, तो
तो इंटरमीडिएट वाले टाइप ऑक्साइड्स ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं, दे कैन बिहेव बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? E2O3 तुम्हारा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट कैन बिहेव एज बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करूं, ठीक है, तो जैसे मान लो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स और इनकी, तो जितना ज्यादा पोलर होंगे उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और सबसे ज्यादा किसका आएगी? नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की जनरली बात की जा रही है, तो जैसे अगर मान लो N2O3 और P4O6 की बात की जाए, तो N2O3 विल बी मोर पोलर एज कंपेयर टू P4O6। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फिर फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद हेलोजन्स, तो फिर से ई प्लस एक्स टू, वेर ई बिलोंग्स टू नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करने पे दो टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं, या तो एक तो +3 में और एक +5 में। ठीक है, +3 में और +5 में EX3 और EX5। तो EX3 में NF3, NCl3, NBr3, Ni3। ठीक है, तो देखो EX3 में इनके सबके नाइट्रोजन के फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पॉसिबल है, सबके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सिमिलरली आर्सेनिक के भी सारे पॉसिबल है, इसके भी सारे पॉसिबल है। ठीक है, EX3 ऑल टाइप ऑफ हैलाइड्स आर पॉसिबल। नीचे लिख दिया, इन EX3 ऑल टाइप ऑफ हैलाइड्स आर पॉसिबल। लेकिन EX5 में सबसे पहले देखो, नाइट्रोजन का कोई भी हैलाइड पॉसिबल नहीं है। एक बार तुमसे पूछा जाए क्यों, तो देखो EX5 में ई ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? पांच। और नाइट्रोजन कभी भी पांच बॉन्ड्स नहीं बना सकता है। क्यों? ड्यू टू इट्स ऑक्टेट रूल। तुम्हें क्या बताया था कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? चार, बिकॉज ये सेकेंड पीरियड का है। ठीक है, मतलब बिकॉज नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, कैन नेवर ब्रेक ऑक्टेट। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? इट कैन नेवर ब्रेक इट्स ऑक्टेट। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम कितना, ड्यू टू किस लिए? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से ये अपना ऑक्टेट ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए EX5 जिसमें पांच बॉन्ड्स है वो कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। तो इसके सिर्फ कौन से हैलाइड्स पॉसिबल है? EX3। फॉस्फोरस फ्लोराइड बनाता है, क्लोराइड बनाता है, ब्रोमाइड बनाता है, लेकिन आयोडाइड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? देखो अगर मान लो तुमसे बोला जाए, देखो भाई, एक PCl5 और एक PI5, क्लोरीन और आयोडीन में साइज किसका बड़ा है? आयोडीन का। क्लियर है? फॉस्फोरस दोनों में सेम है, दोनों में सेम मतलब सेंट्रल एटम दोनों में सेम, सब्स्टिट्यूएंट का साइज बड़ा हो गया आयोडीन का। अगर सब्स्टिट्यूएंट का साइज बड़ा हो गया, देखो ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट का साइज बड़ा है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट का साइज छोटा। ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट का साइज बड़ा है तो इस पे जो लोन पेयर है ये आपस में पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो इन पे लोन पेयर रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, और लोन पेयर रिपल्शंस बढ़ गए तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आयोडाइन का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या आने लगता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। लोन पे रिपल्शंस की वजह से क्या आने लगता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। हेंस इसलिए ये फास्फोरस पांच आयोडीन को अपने ऊपर स्टेबलाइज नहीं कर सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो इसके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड पॉसिबल है,
लेकिन आयोडाइड पॉसिबल नहीं है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, आया समझ में? जैसे एक क्वेश्चन अगर तुमसे आएगा, व्हाई PCl5 एग्जिस्ट बट Pi5 डज नॉट, बिकॉज, तुम क्या लिखोगे? साइज ऑफ आई इज वेरी लार्ज, हेंस स्टेरिक रिपल्शंस इंक्रीजेस, हेंस मॉलिक्यूल बिकम्स अनस्टेबल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ये वाला बताओ, व्हाई PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट। तो अब देखो रीजन, देखो PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है NCl5, तो NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज देखो, पी बिलोंग्स टू कौन सा पीरियड? थर्ड पीरियड। हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, देयरफॉर कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। ठीक है, चार से ज्यादा बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, हेंस इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? आर्सेनिक जान दो, आर्सेनिक के सिर्फ FCl पॉसिबल है, फ्लोराइड क्लोराइड इसका ब्रोमाइड आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। एंटीमनी का फ्लोराइड क्लोराइड पॉसिबल है, ब्रोमाइड आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली बिस्मथ का सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है? फ्लोराइड। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए इनके क्यों नहीं पॉसिबल है, तो देखो जैसे अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन आएगा यहां, वाई PCl5 एग्जिस्ट बट BiCl5 डज नॉट, तो देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ध्यान दो, नीचे वाले मेंबर्स में जाते जाते +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमने बताया था, +5 की अगर स्टेबिलिटी देखें तो +5 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो नीचे और +3 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो BiCl5 +5 में बहुत स्टेबल नहीं होता, तो तुम्हें भी बताया था सिर्फ कौन सा उसका एग्जिस्ट करता है? फ्लोराइड। तो इसका रीजन क्या आएगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कहां तीनों क्वेश्चंस ध्यान दो तुम्हारा, वाई PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट, किसके किसके बीच में कंपैरिजन है उसका रीजन लिखना होता है तुम्हें बोर्ड्स में। ठीक है, तो इसमें एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा था? बिकॉज नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? बिकॉज इट कैन नॉट ब्रेक इट्स ऑक्टेट। ठीक है, अब यह PCl5 और Pi5 में सेंट्रल एटम सेम, सब्स्टिट्यूएंट की वजह से एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? ड्यू टू साइज। अब इसमें क्या आया? PCl5 और BiCl5, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट सेम है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम की क्यों नहीं करेगा? बिकॉज सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पे +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? कम हो गई। क्यों कम हो गई? बिकॉज नीचे वाले मेंबर्स क्या चाहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा शो करते हैं, और नीचे वाले एम्बर्स अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा शो करेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूं, उनकी स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के नीचे जाने पे क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये कहां रहना पसंद करेंगे? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, स्ट्रक्चर्स बताओ भाई। EX3 अगर बोला जाए तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर, EX3 में एक लोन पेयर मतलब ट्राइगोनल, क्या बोलेंगे इसको? ट्राइगोनल पिरामिडल। EX5 हाइब्रिडाइजेशन SP3D, लोन पेयर कितने? जीरो। जीरो लोन पेयर में EX5 क्या आएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, ये ठीक है। अब ये चीजें कंपेयर करते जाओ, बॉन्ड एंगल वापस आ गया है, हाइब्रिडाइजेशन सेम,
सबकी हाइब्रिडेशन sp3, लोन पेयर सेम, एक एक क्लियर है, हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर सेम, सेंट्रल सब्स्टिट्यूएंट सब में सेम है, क्या चेंज कर रहा है? सेंट्रल एटम और बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। फिर देखो ये वाला, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, अब इसमें सेंट्रल एटम सेम है, सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर रहा है, तो तुम्हें क्या बताता है? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। PF3 और PF5 में बात की जाए तो देखो PF3 का स्ट्रक्चर ये आएगा, बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री, और PF5 का क्या आएगा? इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है और 180 डिग्री भी है, तो बॉन्ड एंगल कैन बी लेस देन और कैन बी ग्रेटर देन। अगर 90 डिग्री वाला लोगे तो 90 डिग्री वाला इज लेस देन 109.5 डिग्री से, और 120 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला इज ग्रेटर देन, ठीक है। आया समझ में? इसमें दोनों के दोनों क्या है? पॉसिबल है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बताओ भाई, बॉन्ड लेंथ में बॉन्ड ऑर्डर सेम, एलिमेंट्स इन कंपैरिजन आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट पीरियड्स, और डिफरेंट पीरियड्स के हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं? बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्लियर है। इसमें बताओ फिर से, एलिमेंट्स इन कंपैरिजन आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट पीरियड्स, और डिफरेंट पीरियड्स हैं तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। आया समझ में? क्लियर है सबको, ठीक है। स्टेबिलिटी करते जाओ चीजें अगली बार से, ठीक है, डिस्कस नहीं डायरेक्टली, तुम्हें कुछ करनी। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अगर बोली जाए, ये X3 टाइप हैलाइड्स, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या करती है? इंक्रीज करेगी, तो ऑर्डर क्या आएगा? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, EX5 में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। आया समझ में? तो ऑर्डर क्या आएगा? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई, NF3, NCl3, NBr3, Ni3, ठीक है। फिर से +3, कह रहे तो सारी +3 है, ठीक है। आया समझ में? इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आया था? ये आया समझ में? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर ये आएगा तो तुम्हारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी ये आएगा, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान रखो, इन नाइट्रोजन के NX3 हैलाइड्स में, ठीक है, NX3 टाइप हैलाइड्स में सिर्फ NF3 स्टेबल होता है। ध्यान रखो, NCl3 इज अ एक्सप्लोजिव, तुरंत टूट जाता है और एक्सप्लोजिव की तरह बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। सिमिलर रिएक्शन आगे चल के पढ़ेंगे, इट इज अ एक्सप्लोजिव। NBr3 एंड Ni3 इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये सेपरेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज अमोनिएट्स। अमोनिएट्स का मतलब है कि NBr3 को जब अमोनिया के सोल्यूशन में तुम डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तभी ये एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ NBr3.6NH3। आया समझ में? क्लियर है। ये सिर्फ अमोनिया के साथ इस टाइप का कंपाउंड बना के एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिविजुअली या आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली Ni3 भी सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के साथ एग्जिस्ट करेगा, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आया समझ में? NF3 सिर्फ स्टेबल है, NCl3 एक्सप्लोजिव, NBr3 एंड Ni3 कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म, दे कैन ओनली एग्जिस्ट एज अमोनिएट्स। क्लियर है, ठीक है। अब ये कुछ रिएक्शंस हैं, कौन सी रिएक्शन है भाई? ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, एक बार बनाने की सोचो जरा खुद से। NF3 प्लस H2O, नो रिएक्शन, ठीक है। NX3 वेर X इज ClBr3, बताया था कि इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसकी नाइट्रोजन की क्या आएगी? बताओ भाई, NCl3 अगर बोला जाए तो नाइट्रोजन की क्या आई? +1, सॉरी +3,
फिजिक्स के। अगर तुमसे बोला जाए एक चीज जान दो, अगर मैं बात करूं इस केस में, तो तुम्हारा नाइट्रोजन अगर केस है, तो नाइट्रोजन में क्या आ जाएगी, -3 और +1, ठीक है? यहां -3 और +1 है, बाकी हर केस में देखो स्टेबिलिटी में नाइट्रोजन की -3 आएगी, बाकी सबकी +3 आएगी, ठीक है? समझ में आया? इनफैक्ट तुमसे अगर बोला जाए NCl3 N, ठीक है, तुम अगर मैं बोलूं NH3 -3 +1, तो इस केस में तुम्हारा क्या बनता है, NH3 + HOCl। NCl3 के एग्जांपल ले लो, NCl3 में N की -3 और Cl की क्या आएगी, +1 आएगी, ठीक है? आया समझ में? तो NH3 + HOCl, NBr3 Ni3 तुम्हारे एग्जिस्ट नहीं करते अमोनियट्स में, तो उनका एग्जांपल ना लो, ठीक है? NCl3 व्हेन -3 + 1 NF3 हाइड्रोलिसिस नहीं देगा, NCl3 में नाइट्रोजन की -3 और Cl की +1। तो NCl3 का एग्जांपल अलग से ध्यान रखो, NCl3 में तुम्हारा क्या होगा, नाइट्रोजन की -3 और Cl की +1, बाकी सब में तुम्हारी नाइट्रोजन की क्या आएगी, +3, बिकॉज, ठीक है? आया समझ में? तो अब ध्यान दो, अगर तुमसे बोला जाए इसमें NH3 + HOCl, ठीक है, नेक्स्ट PX3 में बोला जाए, तो PX3 में तुम्हारा क्या आएगा, HX+ इसका +3 का, तो H3PO3। आया समझ में? PX5 में HX+ +5 का H3PO4। SbCl3 तुम्हें बताया था पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है, क्या बनाता है, HCl+ SbOCl, ठीक है? BiCl3 और SbCl3 दे अंडरगो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दे फॉर्म BiOCl+HCl और SbOCl+HCl। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दो, ये सारी चीजें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? कल से तुम्हारा क्या होगा कि एक असाइनमेंट तुम्हें सुबह सुबह फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, एक बार उसको खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है? उसको खुद से पूरे असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना, उसमें जो चीज चीजें मार्क्ड है उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है? और शाम को तुम्हें एक वीडियो लेक्चर उसी के सोल्यूशन के, उसको डिस्कस करते हुए हम लोग बना देंगे, लेकिन एक बार शुरुआत में खुद से जरूर अटेम्प्ट करने की सोचो। तो कल से तुम्हारा एक असाइनमेंट इसी टाइप का तुम्हें पहले शुरुआत में दे दिया जाएगा, उसको नोटबुक में उतारो एज इट इज, जितना स्पेस दे रखा उतना स्पेस दो, ठीक है? एज इट इज उतार लो, एक बार जो जो चीजें मार्क्ड है उसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? और फिर शाम को जब उसका डिस्कशन आए तो उससे मैच करो, और क्या क्या गलतियां आई उसको एक बार ध्यान दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।